हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जेन्यू क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। पीटीटी 2021 की अगर हम बात करें तो दो वर्षीय बीएड के लिए सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट आने के बाद में जो आगे की प्रोसेस है फी जमा कराने की और इसके अलावा अपवर्ड मूवमेंट की, उसकी जो डेट है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या डेट एक्सटेंड होगी नहीं होगी, और तीसरी जो लिस्ट है, तीसरी अलॉटमेंट लिस्ट जारी होगी या नहीं होगी, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो पैसेंस मना के वीडियो को अंत तक देखते रहें। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी को पता है कि सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट जारी हो गई थी, और जारी होने के बाद में आपको 22,000 रुपये फीस जमा करानी थी। तो जिन विद्यार्थियों का सेकंड लिस्ट में नंबर आ गया था उनको लगभग 22,000 रुपये फीस जमा करानी थी, और उसके लिए लास्ट डेट कल जा चुकी है, यानी 6 दिसंबर लास्ट डेट थी। आज 7 दिसंबर है और आज लास्ट डेट है अपवर्ड मूवमेंट की और कॉलेज में रिपोर्टिंग की। तो कॉलेज में रिपोर्टिंग यानी आपको डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं, ऑफलाइन उपस्थित होना है। इसके अलावा आज जो है अपवर्ड मूवमेंट की भी लास्ट डेट है। जिन विद्यार्थियों का नंबर सेकंड लिस्ट में आया है, जिनको कॉलेज अलॉट हुई है सेकंड लिस्ट में, और उसके बाद वो चाहते हैं कि आपको मनपसंद कॉलेज नहीं मिली है और दूसरी कॉलेज आप चाहते हैं कि आपको मनपसंद कॉलेज मिले, तो आप अपवर्ड मूवमेंट करा सकते हैं। अब काफी बच्चों के कॉमेंट आ रहे थे, सर अपवर्ड मूवमेंट की डेट तो दे रखी है लेकिन अभी तक ऑप्शन नहीं आया है। तो शायद कल मॉर्निंग से ही अपवर्ड मूवमेंट का जो ऑप्शन है वो एक्टिव हो चुका है, तो काफी बच्चों ने करवा लिया होगा। अभी तक नहीं किया तो आज भी आपके पास समय है, आज शाम तक आप जो है अपवर्ड मूवमेंट करा सकते हैं। तो वो जो यहां पर लिंक है वो एक्टिव हो चुका है, वेबसाइट पे जाके आप क्लिक कर सकते हैं उस पे और जो है सबमिट कर सकते हैं। अब यहां पर हम बात करते हैं कि ये सब प्रक्रिया तो हो जाएगी और हो सकता है एक या दो दिन आपको और मिल जाए। मुझे ऐसा लगता है, वैसे तो 22,000 स्टूडेंट थे क्योंकि 22,000 सीट खाली थी, तो 22,000 स्टूडेंट्स ही थे, तो हो सकता है कि एक या दो दिन आपको दे दें, क्योंकि एक दो दिन तो दे देते हैं। तो आज शाम तक पता लग जाएगा कि डेट एक्सटेंड होगी या नहीं होगी। अगर डेट एक्सटेंड होती है तो मैं एक शॉर्ट वीडियो बना के आपको बता दूंगा कि डेट एक्सटेंड हो चुकी है, आप जाके और जिस जो भी बच्चा रह गया है तो फीस जमा करा दे और जो है रिपोर्टिंग करवा ले। तो यहां पर जो है तीसरी लिस्ट कब तक आएगी, तो अगर आज ही लास्ट डेट होती है, 7 दिसंबर को ही लास्ट डेट होती है, आज के बाद आगे की कोई प्रक्रिया नहीं होती है, तो 3-4 दिन के अंदर आपकी जो बची हुई जो सीट है जिन पर विद्यार्थियों ने एडमिशन नहीं लिया है तो वो लिस्ट आपकी जारी हो जाएगी, जिसे आप तीसरी लिस्ट बोल दो या अपवर्ड मूवमेंट का जो रिजल्ट है वो भी आप कह सकते हैं। तो अपवर्ड मूवमेंट के रिजल्ट के साथ में ही जो सीट वैकेंट रह जाएंगी जिस पर एडमिशन नहीं होगा, तो यहाँ पर कुछ विद्यार्थियों का नंबर आ सकता है जिनकी परसेंटेज काफ़ी अच्छी है, मतलब जिनके नंबर काफ़ी अच्छे आए हैं, तो तीसरी लिस्ट भी आपकी जल्द जारी हो जाएगी और उसमें जिन विद्यार्थियों का नंबर आएगा उनको भी समय दिया जाएगा फी जमा कराने के लिए और इसके अलावा जो है रिपोर्टिंग के लिए। उसके बाद अपवर्ड मूवमेंट का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, ये बात को आपको ध्यान रखना है। और मिल भी सकता है, जिनका नंबर आ जाएगा उनको मिल सकता है, लेकिन फिर उसके बाद कोई लिस्ट नहीं आएगी क्योंकि सीट बहुत ही कम खाली है। आप सभी को बता देना चाहता हूं, तो कंप्लीट प्रोसेस हो चुका है आपकी प्रक्रिया का, ये जो काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही थी 2 वर्षीय बीएड के लिए और 4 वर्षीय बीएड के लिए। अब काफी बच्चे कमेंट कर रहे हैं, सर पढ़ाई कब से स्टार्ट होगी, क्लासेस कब से लगेंगी? तो भाई आपकी जो यहां पर है प्रक्रिया कंप्लीट होते ही, एडमिशन की प्रक्रिया कंप्लीट होते ही आपकी जो क्लासेज हैं आपकी कॉलेज के अंदर लगना स्टार्ट हो जाएंगी। आप रेगुलर रहकर अपनी पढ़ाई कीजिएगा। 2 वर्षीय बीएड की अगर हम बात करें तो पहले साल भी आपके एग्जाम होंगे, दूसरे साल के अंदर भी आपके एग्जाम होंगे। आगे की प्रोसेस और जो आपका सिलेबस है उस पर हम अलग से वीडियो बनाकर डिस्कस कर लेंगे। तो अभी मैंने आपको इतना ही बताया है कि आज लास्ट डेट है, जो भी विद्यार्थी रह चुका है किसी भी कारणवश, तो आप अपना जो है यहां पर फी जमा कराने की डेट तो जा चुकी है लेकिन अपवर्ड मूवमेंट करा सकते हैं, और अलॉटमेंट लिस्ट में जो जिनका नाम आया है जिनको कॉलेज मिली है तो रिपोर्टिंग करा सकते हैं। तो कॉलेज की पढ़ाई के साथ में अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भारत के नंबर 1 लर्निंग ऐप अनअकैडमी से आप जुड़ सकते हैं। वहां पर मैं प्लस एजुकेटर हूं, रेगुलर मेरी क्लासेज हो रही है, फ्री स्पेशल क्लासेज भी हो रही है, प्लस क्लासेज भी हो रही है। आज सुबह 11 बजे एक फ्री स्पेशल क्लास है जिसमें एसएससी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पढ़ाने वाला हूं। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग जरूर जुड़ें। क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पे क्लिक करना, क्लास ओपन हो जाएगी। अभी तक अगर आपने अनअकैडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और एसएससी कैटेगरी में जाके अरविंद कुंडारा आप नाम सर्च करें, उस पे फॉलो करें। मेरी जो प्रोफाइल का लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में है, उस पे क्लिक करना, फॉलो कर लो, जिससे क्लास ओपन हो जाएगी, आपको रेगुलर क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाएगा। धन्यवाद।